बदमाश करता है फिर रोता है। उठो उठो मैं बाद में शूट करूंगी कल परसों। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग सबको। एंड अभी दिस इज नॉट दिस आर्ट नो आर एस ओके काफ़ी लेट हुआ बट कोई ना कभी कभी चल जाता है भाई लेट उठना भैया क्या है। और ये देखो सुबह का गुड मॉर्निंग गाइस। यस अभी मैं नीचे जाऊंगी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगी मैं फिर ब्रशवश करेंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। शायद पापा भी आए हुए हैं उनका आवाज़ सुना था मैंने शायद मुझे पता नहीं देखते हैं नीचे जाते। और मैंने आज उठते ही मम्मी लोग से डांट ना खाना पड़े बोल के साफ सफाई एकदम बेड जैसे मोटी बेड समेट लिया मैंने। और अभी मैं जाऊँगी पहले ब्रश करूँगी उसके बाद योगा मेडिटेशन जो भी और सब वगैरह करना वो करेंगे फिर देखते उसके बाद क्या होगा। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग इन गुड मॉर्निंग देखते दिन कैसे जाता है हमारा आज का। चलिए शुरू करते हैं दिन। तो अभी ब्रेकफास्ट आज माला रोटी और मटर की सब्ज़ी मैं खाती हूँ उसके बाद मैं पढ़ाई में रहूँगी क्योंकि कल शाम को भी मेरा पढ़ाई नहीं हुआ थोड़ा सा हुआ बट एडिटिंग के चक्कर में वो नहीं हुआ मेरा पढ़ाई। तो अभी जाएंगे हम पढ़ाई करेंगे। फिलहाल मौसम का अपडेट है गर्मी है देखो गर्मी है बट क्लाउड्स टेस्टी पता नहीं किस ओकेजन पे बनाया आज माला रोटी मेरे को तो पता ही नहीं ऐसे ही बनाएगा। दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है अच्छा कुछ भी डिस्कशन करते रहता। अब से मैं पूरा भेज दे दूँगी ना कुछ खाऊँगी देखता हूँ क्योंकि अगर हम के एफ सी गए चटे छंटे वगैरह में तो मेरा लालच फिर उधारा जाएगा कंट्रोल करना पड़ेगा। मम्मी लोग भी मतलब सालबड़ी मार्केट गए कुछ सामान वगैरह लेना है। बुआ का स्पेशली ऑर्डर आया भाई जब भी जीजा जी का आया था ऑर्डर की जब भी आना मतलब उनका कुछ है मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या मंगाया बट मम्मी बोल रहे थे कि ये दी बुआ ने कुछ दीदी ने कुछ मंगाया है इसीलिए वो लोग सालबाड़ी में जा रहे हैं लेने के लिए वो चले गए। एंड अभी 12 बज चुके भाई मैं अभी नहाने जाऊंगी उसके बाद लंच नहीं करूंगी मैं डायरेक्ट डिनर क्योंकि लंच मतलब ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया ना मैं सोच रही हूँ लंच में ना कुछ हल्का फुल्का सैलड वगैरह अगर बना सकी तो मैं वो खा लूँगी क्योंकि इतना हैवी हो गया ही मतलब ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया ऑयली फूड तो इसीलिए मैनेज करने के लिए देखते हैं क्या होगा। अगर मन नहीं किया तो सैलड बनाने का वो भी मन नहीं किया तो अगर फ्रूट्स होगा तो मैं वो खा लूँगी बट लंच नहीं करूँगी मैं किसी हालत में भी नहीं। और ये जो मेरा चिकन छोड़ना वो मेरे को मुश्किल पड़ रहा है मतलब 2-3 महीने मेरे आराम से मतलब छोड़ दिया ठीक है फिर अभी फिर से मतलब चिकन खाने लग गए मुझे इमिडिएटली छोड़ना होगा आज से छोड़ेंगे। बट ये लोग अगर सिटी सेंटर मॉल ले गए तो मैं कैसे मतलब अपने आप को तो मतलब हेल्थ के लिए कौन से छोड़ना ही पड़ेगा नहीं नहीं मेरे को अब छोड़ना है फुल अब मैं नॉन वेज नहीं हूँ
आई एम ओनली वेजिटेरियन ना, मैं एक खाऊंगी ना कुछ खाऊंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस गाइस, आप लोग का मतलब प्रॉमिस आप इस बार नहीं तोड़ूंगी, ठीक है ठीक है, जितना भी मैं अभी प्रॉमिस करूंगी ना पक्का मैं उसमें खड़ी उतरूंगी। यस अभी मैं नहाती हूँ, उसके बाद मिलकर बात करते ठीक है। और ये देखो पिछले वाला सेकेंड ब्लॉग है शायद, प्रीवियस वाला ब्लॉग का नहीं, प्रीवियस वाले ब्लॉग का भी प्रीवियस वाला, उसका थंबनेल मांगा था मैंने एडिटर को बनाने के लिए दिया था, वो भी अभी तक नहीं मिला है मेरे को यार। मेरे को बताना था मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है, मैं मतलब अपनी टीम से मतलब टीम मेट्स को अपने पॉडकास्ट पे लेना चाहती हूँ, बाकी लोग को भी लेना चाहती हूँ जो भी ट्रिगर टाइम से जुड़ा है, मेरे से जुड़ा ऑब्वियसली, उनको पॉडकास्ट में लेना चाहती हूँ पॉडकास्ट में, बट मेरे को स्पेशल मीडियम नहीं पता, वो लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप जूम मीटिंग से करो, डिस्कॉर्ड से करो, अब कोई को बोल रहे हैं कि हम डिस्कॉर्ड में नहीं है, जूम मीटिंग पे करो, तो ये चीज़ें चल रहा है, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ मैं किस में करूँ। देखते हैं, वीडियो का ऑप्शन भी आ गया अभी स्पॉटिफाई पे, वीडियो पॉडकास्ट और ऑडियो का भी है, और देखते क्या होगा, अगर वीडियो का होगा तो वीडियो कर लेंगे, ऑडियो का होगा तो ऑडियो कर लेंगे, देखते हैं क्या होगा, ओ फॉर द बेस्ट। आज मैं सोच रही हूँ अभी नहाने जाने से पहले वो चीज़ कर लेते, सॉर्ट आउट कर लेते, फिर शूट का देखा जाएगा क्या होगा। देखो मैं कितना मेहनत करी तुम लोग के लिए, तुम लोग हो कि सब्सक्राइब नहीं करते, करो सब्सक्राइब, मेरा मेहनत को थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट करो, तुम लोग करते हो बट देखो फाइनली मतलब 300 होने वाले, इट्स नॉट मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा नंबर है ये 200 मतलब 300, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करोगे ना तब पता चलेगा मतलब कैसा है जर्नी। मैंने तो भाई बहुत ही अप्स एंड डाउन देखे इस जर्नी में, जीरो से 200, अब पता नहीं 200 से आप लोग कितना लेकर जाओगे, बट कोई ना, यू गाइस आर द बेस्ट आई ऑलवेज सी। तो मैं अभी शावर लेके आ गई हूँ, जस्ट मैंने अपना स्किन केयर किया है, और मैंने इंस्टाग्राम पे आज Q&A सेशन रखा था, मतलब बातें बातें किया था, पूछा था क्वेश्चंस लोगों ने, और एक डेयर भी दिया था मेरे को दैट ऐसे बोल के दैट यू हैव टू कॉल योर बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड, और उनको आई लव यू बोलना है, एंड रिएक्शन रिकॉर्ड करते हुए मुझे इंस्टा पे अपलोड करना, मैंने कर दिया, डेयर तक अपलोड कर लिया। अब मेरे को दिक्कत हो रहा है कि वीडियो पोस्ट करने में इंस्टाग्राम, भाई क्या क्या डेयर देते हैं, वो भी टिकट आर्मी ने दिया, जितने भी मेरे टिकट आर्मी में दोस्त हैं सब उन्हीं में से क्वेश्चन ना सब ने किया, क्वेश्चन अच्छा भी था बट ये डेयर भाई करना तो कुछ नहीं बट पोस्ट करना दिक्कत है ना, बट देखते करेंगे हम। मैं नीचे जा रही हूँ, मैं लंच नहीं करूँगी, ऐसे ही जा रही हूँ, फिर मम्मी लोग बोलेंगे कि ऊपर ही रहती है, हमारे साथ बैठती भी नहीं है, सिर्फ ऊपर ही बैठती है, हमारे साथ बैठती नहीं, टाइम हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, वो बोलने लग, तो चलते नीचे नहीं किया, बट ये जो हल्का फुल्का लंच नहीं किया, बट मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा मतलब ले लो राइस के साथ, मतलब सब्जी पड़ा है सब्जी खा लो, बट मैंने सोचा कि सब्जी सुबह सुबह होगा बोल के, इसलिए मटर था सुबह का और मूली के साथ खा रही हूँ। फ्रूट वगैरह है नहीं ना, इसलिए मैं सोचा फ्रूट सैलड बने खाऊंगी, बट फ्रूट है ही नहीं, घर में ख़त्म हो गया, और खीरा वगैरह भी है नहीं, तो इसलिए यही खाना पड़ा, कोई बात नहीं। आते ही बदमाश स्टार्ट हो गया इसका भैया के साथ, देखो बदमाश मत कर भाई, पिटा खाएगा भाई से, फिर ये देखो बदमाश लड़का, आते ही बदमाश करना स्टार्ट है भाई इसका। ए, 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 काफी दिन हो गए, हेलो गाइस बोल दो। तो अभी मैं 4 बज रहे हैं, 4 या 5 बज रहे हैं भाई, हाँ 4 बज रहे हैं, एंड मैं सो आज दोपहर को मैं नहीं सोई, क्योंकि आइडिया सोचते नहीं था, मतलब मेरा टाइम लग गया कि क्या शूट करें पॉडकास्ट का, कुछ पॉडकास्ट सीन सब सेटअप हो गया, मैं बाद में शूट करूँगी कल परसों, और जूम मीटिंग में या डिस्क नहीं
जूम मीटिंग नहीं करने का फाइनल हो गया हम लोग का। उसके बाद मैं लाइव आई, भाई लाइव में फिर लोग ने डेयर दिया कि अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलो कॉल करके कि आई एम ब्रेकिंग अवर फ्रेंडशिप। कैसे कैसे डेयर देते हैं भाई। और मैं सोच रही हूँ तो एक को मैंने बोला भी है कि ऐसे डेयर वगैरह चैलेंजेस वगैरह करते तुम लोग बहुत सारे डेयर भेजो, देखते क्या होगा। वो लोग बोले कर लो, टीम से पूछा ना तो टीम ने बोला कि दीदी कर लो, क्या होगा। मेरी दादी आज बना रही हैं आलू चॉप घर में ही, ये देखो आज हमारी दादी किचन में घुसी हैं बनाने के लिए। वाह ये तो ऐसे हेल्प करना तो बनता है, वरना पीछे से भैया आ जाएंगे हेल्प करो हेल्प करो। और बड़े पापा लोग क्या कर रहे हैं वो भी दिखा देती तुम लोग को। बड़े पापा लोग बाहर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, देखो ये देखो ये देखो। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए दादी का आलू चॉप। मम्मी लोग मस्त से सो रहे हैं, मस्त से सो रहे हैं मम्मी लोग तो। स्टफिंग रेडी हो गया ठीक है। और ये है थोड़ा सा, मतलब इसमें बेसन है, बेसन और पानी मिला के एकदम मतलब पतला सा कर लिया ताकि ये जब मतलब इसे ऐसे करके आलू को जैसे रुको भाई रुको ऐसे करके है ना इसमें डाल के फिर इधर फ्राई करने रखेंगे ऐसे करके। तो तीखा तो तीखा ये मसाला जो भी है ये बैटर है इसमें तब डुबा के इसको फ्राई करेंगे। यही है भाई दादी, बट जो भी हो आलू चॉप वो टेस्टी बनाती है, टेस्टी फुल टेस्टी भाई। हाँ जी तो काफ़ी टाइम हो गया इधर मैंने सब तो पढ़ा, मैंने सब तो नहीं किया काफ़ी टाइम से तो सब तो ये रहा तो दुआ दुआ हो गया देखो बहुत सारा सारा दुआ दुआ दिन में मिक्स करेंगे सब तो पानी थोड़ा सा। चाय भी रेडी हो गया है इधर, दादी तो पकौड़ा बना रही है, सब रेडी हो गया है। बड़े पापा और भी प्लान होगा भैया भी उठे नहीं तो कार से बैठ गया ये हो गया पकौड़ा भी डन इट्स मैंने तो टेस्ट कर लिया भैया तो कुछ काम ही नहीं बस। क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट सर गेम खेल रहे, गेम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी मम्मा क्या कर रही है, मम्मा लोग ओ माय गॉड ये दोनों देखो कैसे सोए पड़े सोए पड़े सोंदु इंसान कल ही सो पड़े। बड़े पापा चीजा जी को चाय देते फिर पकौड़ा Thank you.
मस्तरी कैसे देख रहे हैं मलाई मम्मीले गाली दिन्छ खुट्टाले गन्दा छ हेर त मोडेलहरुको खुट्टा यस्तो घिन लाग्दो छ थैंक यू वेलकम साथ में मैंने फैंटा भी लेके आई हूँ उसकी कुछ आई मैं पीती नहीं हूँ काफी दिनों में दादी का आता पकौड़ा खाए ना और फैंटा और क्या मस्त है भाई चलो ये मैं खाती हूँ फिर मिलती हूँ ठीक है थोड़ी देर बाद कौन ना आप ही गोलचू बन गए ना बदमाश लड़का हमेशा बदमाश करता रहता है बदमाश लड़का कितना बदमाश करता रहता है दिन भर काम नहीं है धाम नहीं है तुमको तो ले जाएगा बेटे इधर ही बैठेगी मेरी बहन क्या दिक्कत है भाई तुम्हें तुम जाओ ना घर क्या रिएक्शन था ये फालतू रिएक्शन ड्रामा कर रहे हो तुम क्या होगा भाई क्या हुआ भैया आ गए देखो तो नानू भैया आ गए वही रो रहा है क्या देखो रो रहा है ये नाटक ए नाटक बाज मत रो नाथ मत रो मत रो कच ओ सच में रो रहा है तो है मत रो भाई मत रो तू ही बदमाश करता रहता है फिर रोता है रोंदू इंसान भाई ये लड़का ना खुद बदमाश करता है फिर रोता है उठो 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 बदमाश नहीं करने का बिड़ू हम घूम के आते भाई तो नहीं जाएगा चलो चलो हम तो जा रहे हैं घूमने आइसक्रीम खाएंगे डोनट्स खाएंगे ना अनुश्री चलो 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 इसे छोड़ के चलो ये देखो आइसक्रीम के नाम पे आ गए भाई साहब ये देखो बेचारा रो गया है रोंदू है भाई तू देखो नहीं रह सकता भाई आजा सॉरी तू तो बदमाश करता है फिर तो दांत खाएगा ही ना आजा अभी मैं जस्ट बाहर से आई कुछ काम था मेरे को मतलब साइबर कैफे जाना था दीदी के साथ एक्चुअली भाभी की बहन आई है मामा की बेटी मैंने बोला था ना कल वाले ब्लॉग में तो उनके साथ उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट आउट करवाना था उनके साथ ही गई थी बाहर एक्चुअली चार्ज नहीं था वरना उनको भी दिखाती मैं चार्ज नहीं था फ़ोन में बिल्कुल भी 1% था वो भी स्विच ऑफ हो गया था तो उनको नहीं दिखा पाई बट कोई ना कल अगर कल शायद तो वो जल्दी निकल लेंगी कल कॉलेज के लिए तो अगर हो सके तो मैं सुबह दिखा दूँगी शायद देखते अब क्या होगा वो अगर जल्दी चली जाएंगी तो नहीं देख पाओगे तुम लोग उनको व्लॉग में ऑल्सो यस आज मैंने सोचा था कि मतलब खुद को मोटिवेट किया था कि भाई इंस्टाग्राम रील शूट करना है आज मेरे को बट नहीं कर पाया बट कोई ना डियर चैलेंज एक मैंने मतलब एक फैन ने मेरे को मतलब बोला था कि दीदी आप ये करो और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो मैंने बताया था फिर भाई कितना सारा मतलब डेयर चैलेंजेस मैंने मतलब पूछे हैं लोगों को की स्टोरी लगाया कि डेयर चैलेंजेस पूछो जो कि मैं कन्फ्यूज इस चैनल पे करूँ या दूसरे चैनल पे करूँ
मैं सोच रही हूँ इस वाले चैनल पे ही करूँ, बट देखते यार क्या लोग कहते हैं। मैं अपनी टीम को बोलूँगी भाई मुझे क्या करना चाहिए, रिएक्शन चैनल पे डालना चाहिए चैलेंज वीडियो या इस वाले ब्लॉगिंग चैनल पे, देखते हैं वो लोग क्या कहे। टीम सबसे ऊपर। यस गाइस, आज का ब्लॉग से इसी में एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस ब्लॉग, एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय ब्लॉगिंग चैनल। लव यू ऑल, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।